अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन सरदार है। माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ F17BCS020 एंड माय सेक्शन इज़ BCS6 है। आवर टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ सोसाइटी एंड कल्चर इन पाकिस्तान। एज़ कल्चर, कल्चर बेसिकली करेक्टरिस्टिक एंड नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल डिफाइंड बाय एवरीथिंग फ्रॉम लैंग्वेज, रिलीजन, सोशल हैबिट्स, म्यूजिक एंड आर्ट्स। मतलब कि लोगों के करेक्टरिस्टिक और उनका जो इल्म होता है एक खास लैंग्वेज और रिलीजन और सोशल हैबिट्स के हिसाब से वो एक कल्चर बनाते हैं। और जो सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान कंप्रोमाइज न्यूमरस ग्रुप, पाकिस्तान की जो सोसाइटीज़ एंड कल्चर है वो डिफरेंट ग्रुप से मिलकर बने हैं। जिस तरह के पंजाब का अपना एक कल्चर है, मुख्तलिफ सिंध का अपना है, KPK का अपना है, बलूचिस्तान का अपना है। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी कम्बिनेशन ऑफ पीपल, देयर कल्चर एंड कम्युनिकेशन। जो मुख्तलिफ लोग होते हैं एक कल्चर के, सेम कल्चर के, वो और उनका जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है वो मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं। जो एक पीपल इंटरेक्शन इन सच अ वे एज टू शेयर अ कॉमन कल्चर, मीन के जो लोग होते हैं वो एक कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं। मतलब एक कॉमन कल्चर के होते हैं वो एक सोसाइटी बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये राज होते हैं कि सोसाइटी और कल्चर में डिफरेंस क्या है। तो सोसाइटी एंड कल्चर में बेसिक डिफरेंस ये है कि कल्चर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, मीन के जो सोसाइटी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह के इंसान हो गए, ठीक है, और उनके रहने सहने के तरीके हो गए, ये सारे मिल के जो उनसे एक कल्चर बनाते हैं। और सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कल्चर। सोसाइटी इंक्लूड बोथ कल्चर एंड पीपल, दे बोथ आर इंटरेस्टली रिलेटेड। सोसाइटी इज डायनामिक, सोसाइटी डायनामिक होती है, मतलब के चेंज होती है, स्टैटिक नहीं होती है। जो कल्चर होता है एक जगह का या एक इंसान एक लोगों का, वो एक स्टैटिक होता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ पाकिस्तान कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। पाकिस्तान के जो कल्चर है वो मुख्तलिफ जो खसूसियात हैं उनमें ये होती हैं कि इस्लामिक वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन पे डिपेंड करते हैं। लैंग्वेजेस हो गई, मिक्स्ड कल्चर, फूड, वैरायटी ऑफ ड्रेसेस एंड हैंडीक्राफ्ट्स। इस्लामिक वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन, बिलीव्स एंड वन अल्लाह। जो इस्लामिक वैल्यूज़ होती हैं उनमें जो एक अल्लाह पर ईमान रखना, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ब्रदरहुड, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस एंड पेशेंस। ये इस्लामिक वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस में जो उनसे है ना, कल्चर पाकिस्तान के जो लैंग्वेज है उसमें जो नेशनल लैंग्वेज है उन्होंने वो उर्दू है, और रीजनल लैंग्वेज में पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची है। मिक्स्ड कल्चर, जैसा कि मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद आए हैं, तो उनसे भी कुछ वहाँ के लोगों के जो तौर तरीके थे रहन सहन के, उनका जो कल्चर, जबान थी, उन सारों से मिल के एक कल्चर बनाया, एक मिक्स लैंग्वेजेस भी डिवेलप्ड हुए हैं एंड कल्चर डिवेलप हुए हैं, जो उसको मिक्स्ड कल्चर भी हम कह सकते हैं, जिसमें इंडस वैली फ्राम ईरान जोन से हैं, तुर्की, अरेबिया, सेंट्रल एशिया, इराक एट्सेट्रा से जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए हैं, उनसे मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह के उर्दू ज़बान भी है, हम भी मतलब के मुख्तलिफ ज़बानों से मिल के बनी है, ये सारे जो उनसे हैं मिक्स्ड कल्चर से हैं। फूड, अब जो पाकिस्तान का फूड है, पंजाब में पराठा, मक्खन, लस्सी एट्सेट्रा मशहूर है, ज़्यादातर उनके कल्चर का हिस्सा है। सिंध में जो है फिश, सी फूड एट्सेट्रा, KPK में सब्जी, बाल्टी, मीट एट्सेट्रा, बलूचिस्तान में ड्राई फ्रूट, पल्सेस एट्सेट्रा उनके कल्चर का हिस्सा है। हैंडीक्राफ्ट, द हैंडीक्राफ्ट इन पाकिस्तान आर ऑफ ग्रेट वैल्यू एंड दे आर हाईली अप्रिशिएटेड। बोथ एंड मैन एंड वोमेन पार्टिसिपेटेड एंड देयर प्रोडक्शन सम आर। जैसा कि पाकिस्तान में जो उनसे हैंडीक्राफ्ट पाकिस्तान के बहुत मशहूर है, जो स्पोर्ट्स और सर्जिकल गुड्स हैं वो सियालकोट के बहुत मशहूर हैं, वहाँ के जो औरतें हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाने में। और मुल्तान के शीट्स एंड बेरा मशहूर हैं, कटलरी ऑफ वज़ीराबाद, वज़ीराबाद की कटलरी मशहूर है, बेंगल्स ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के बेंगल मशहूर हैं। उसके बाद पेशावर के चप्पल वगैरह बहुत मशहूर हैं, पेशावरी चप्पल, इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं।
करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, जैसा कि हमने कल्चर की करेक्टरिस्टिक देख लिए, तो हम करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी के, एक सोसाइटी के क्या खसूसियात होती हैं, एक सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनका लाइकनेस के मतलब वो जो उनकी जो एक चीज़ को पसंद करने का होता है वो उन सारों का एक जैसा होता है, दे आर लाइकनेस मतलब वो एक ही चीज़ को पसंद करते हैं, दे आर लाइक माइंडेड, उनकी जो जहन की सोच होती है वो एक जैसी होती है। फ्रेंडशिप एंड इंटेंसिटी, उनकी जो दोस्ताना आपस में दोस्ती होती है वो भी इंटेंसिटी होती है, इन इंटेंसिटी होती है। द यूनिट ऑफ सोशल लाइफ इन पाकिस्तान इज, जो यूनिट होती है सोशल लाइफ के पाकिस्तान में, जो उनके बेसिक है वो फैमिली होती है, फैमिली सोशल लाइफ या फैमिली होती है या रिलीजन बेस होती है या पीर ग्रुप या इकोनॉमिक सिस्टम या मीडिया बेस होती है। सोसाइटीज़ इन पाकिस्तान दो तरह की हैं, एक रूरल सोसाइटी है जिस तरह के विलेज लाइफ हो गई, विलेज लाइफ रूरल सोसाइटी हो गई, एरिया विच इज़ अंडर डिवेलपमेंट एंड नॉट सिविलाइज्ड, वो एरिया जो कि अभी अंडर डिवेलपमेंट है और सिविलाइज नहीं हो चुकी है, उसमें पॉपुलेशन कम होती है, होमिजिनिटी होती है, सेम कल्चर होता है, लेस रेट ऑफ पोल्यूशन होता है, उसमें पोल्यूशन नहीं होता क्योंकि आबादी कम होती है, स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह का, जो इनके इंटरेक्शन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और एजुकेशन एज पाकिस्तान का सबको मालूम भी है क्योंकि पाकिस्तान अंडर डिवेलप्ड कंट्री है, तो वहाँ का जो सोसाइटी जो रूरल एरियाज़ के जो है एजुकेशन सिस्टम भी उस तरह नहीं है। सर्विसेज जो हो गई हॉस्पिटल स्कूल बैंक एक्सेट्रा वो भी बहुत कम है, लेक ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान में जो अर्बन सोसाइटीज़ हैं, सिटी लाइफ उसमें, एन अर्बन एरिया इज़ द रीजन सराउंडेड अ सिटी वेरी डिवेलप्ड, तकरीबन डिवेलप्ड है काफ़ी, जो हमारे सोसाइटीज़ हैं वो डिवेलप्ड हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है उसमें, हेट्रोजीनियस इन कल्चर एंड ट्रेडिशन, जैसा कि एक सिटी में मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ लोग आते हैं तो उनका कल्चर भी डिफरेंट होता है, पंजाबी सिंधी पठान सारे मिक्स होते हैं एक सिटीज़ में, तो उनका जो कल्चर होता है वो भी हेट्रोजीनियस होता है, डिफरेंट होता है एक दूसरे से, ना कि सेम होता है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, पॉपुलेटेड भी होती है, पोल्यूशन भी ज़्यादा होती है। फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जी, उनमें जो आपका इंटरनेट या दूसरे तरीके से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो भी फास्ट होता है। कंक्लूजन, थैंक यू। इसमें हमने कल्चर को देखा कि कल्चर जो होता है एक जगह के लोगों के रहन सहन को तरीकों के कहते हैं, और जो सोसाइटी होती है वो कल्चर और पीपल दोनों से मिल के बनती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सी लगी कंट्रोल, ओ यार कीबोर्ड किधर गया, स्पेस ही होगा, खैर है वो तो मैं कट कर दूंगा।